दिस इज 3 BHK हाउस प्लान, नाउ स्टार्ट दिस प्लान। तो अभी हम यहाँ पर एक प्लान स्टार्ट कर रहे हैं जिसका आइसोमेट्रिक व्यू में इस टाइप का दिखाएगा, ठीक है, फॉन्ट से स्टेप टॉप से स्टेप का। तो इसको हम डेवलप करेंगे, ये जो प्लान है इसके हिसाब से यहाँ पर हमने प्लान किया है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पोजिशन है यहाँ पर हमने 3D पे रखा है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, जो हो यहाँ पर जो है इसका डोर विंडो जो भी है 7 फीट हाइट और 4 फीट 6 इंच का एक डोर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का आएगा। उसके बाद इधर हम क्या करेंगे, एक विंडो भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो विंडो इधर आएगा तो विंडो कुछ इस टाइप का यहाँ पर आएगा। तो बाद में हम दिखाएंगे क्यों यहाँ पर हमने इस टाइप का विंडो रखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर और एक डोर हम प्रोवाइड करेंगे जिसका साइज है 7 फीट और 3 फीट का, वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम जो जाएंगे यहाँ पर और एक स्टेप हम यहाँ पर जो 7 फीट हाइट एंड 3 फीट हाइट का यहाँ पर भी एक देखिए डोर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे एक, उसके बाद यहाँ पर और एक डोर हम प्रोवाइड करेंगे जो डोर है यहाँ पर 7 फीट हाइट एंड 2 फीट 6 इंच हाइट, ओके। तो इसको हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ऐसे। नेक्स्ट हम यहाँ पर डोर प्रोवाइड करेंगे जो है और एक बेडरूम का डोर 7 फीट बाई 3 फीट का, इधर भी एक डोर 7 फीट बाई 3 फीट का। तो इस डोर को हम यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक जो देखिए यहाँ पर दो हमने जगह रखा है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ डोर प्रोवाइड करना है जो है 7 फीट हाइट और 2 फीट 6 इंच हाइट का, ओके। यहाँ पर भी सेम रहेगा 7 फीट और 2 फीट 6 इंच हाइट। तो इस दो डोर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, देखो। नेक्स्ट हम जाएंगे इसका विंडो वगैरह जो कुछ भी है हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भी हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है हमें, यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे 2 फीट 6 इंच और यहाँ पर 4 फीट। तो ऐसे करके हम यहाँ पर एक विंडो, ओके, ऊपर में विंडो और इधर ऊपर में हम इस टाइप का विंडो और इधर इस टाइप का विंडो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम इधर जाएंगे, जो इधर पार्ट है देखिए इधर, तो इधर भी हम विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे, 2 फीट 6 इंच और यहाँ पर 4 फीट हाइट का। तो इधर भी हम विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो विंडो हम यहाँ पर, ठीक है, इधर भी हमें विंडो या वेंटिलेशन और इधर विंडो हम प्रोवाइड करेंगे। पीछे में हम विंडो नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि पीछे में हमें विंडो प्रोवाइड करने का जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉन्ट में तो अब हमें विंडो चाहिए, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर 2 फीट 6 इंच या 2.5 फीट और ऊपर में 4 फीट हाइट का एक विंडो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका डिटेलिंग आपके साथ शेयर करेंगे, चलिए। तो इसमें देखिए जो 3D हमने यहाँ पर रेडी कर दिया है, तो इसका टॉप व्यू अगर देखेंगे तो इस टाइप का है, फॉन्ट में इस टाइप का रहेगा, और एक साइड में, पीछे साइड में, इस साइड में और ये आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। तो इस टाइप का प्लानिंग के वाइज यहाँ पर 3 बेडरूम का प्लान रहेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो प्लान है यहाँ पर देखिए 28x34 का प्लान है। तो इस प्लान के वाइज हम इसको टॉप से देखेंगे ऐसे, देखिए। और इसके बाद टॉप को देखने के बाद हम ऐसे यहाँ पर, तो टॉप से इधर देखिए फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम, इधर से घर के अंदर जाने का रास्ता यहाँ पर स्टेयर का पोजीशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट, यहाँ पर आपका जो है किचन, यहाँ पर घर के साथ अटैच टॉयलेट, यहाँ पर एक स्टोर रूम, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने पर प्लान बनाया है 28x34 का। तो इस प्लान वाइज हम जो ऑटोकैड फाइल है आपके साथ शेयर करेंगे। तो उससे पहले देखिए इसका जो फॉन्ट का साइड है किस टाइप का देखने को मिलेगा, हम यहाँ पर फॉन्ट साइड का इस टाइप का देखने को मिलेगा, जो आपको
अभी प्लान में दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है इधर जो देखिए यहाँ पर डोर विंडो हमने सेट कर दिया, इसका जो पैरापिट वॉल का सिंपल सा हमें यहाँ पर ड्राइंग रखा है, यहाँ पर भी पैरापिट वॉल का। और घर के देखिए यहाँ पर स्टेयर से बाहर जाने का, जो घर के अंदर जाने का रास्ता रूप से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जगह पर एक आपको ऑटोकैड फाइल दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ऑटोकैड फाइल है, इसके हिसाब से हमने बनाया है स्टेयर का पोजीशन। तो यहाँ पर जो पार्ट है हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर शेयर करते हैं आपको। यहाँ पर आएगा बेडरूम, ओके, यहाँ पर बेडरूम, इसको हम कॉपी करके हर जगह पर प्रोवाइड करेंगे। देखिए थ्री बेडरूम, उसके बाद यहाँ पर जो है ड्राइंग रूम, ड्राइंग का पोजीशन यहाँ पर, यहाँ पर ड्राइंग आएगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आएगा किचन, किचन जस्ट शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर आएगा टॉयलेट, यहाँ पर आएगा स्टोर, ओके, यहाँ पर आएगा आपका बाथ एंड लैट, ओके, बाथ एंड लैट यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा जो है डाइन, ओके। तो इस टाइप का आपका इधर पोजीशन आएगा। तो नेक्स्ट जो है 28 x 36 का टोटल स्क्वायर फीट कितना होगा, देखिए यहाँ पर 952 स्क्वायर फीट 12.85 लाख का यहाँ पर आपका खर्चा आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एक चीज है, यहाँ पर हम वॉल के हिसाब से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक हैच नेल प्रोवाइड करेंगे हम, जो देखिए यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं। जो कॉलम का पोजीशन हम यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉलम आएगा, इधर आएगा, तो इधर आएगा, इधर उसके बाद इधर, इधर इस टाइप का कॉलम यहाँ पर आएगा। उसके बाद इधर 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 कॉलम आएगा। नेक्स्ट आप अगर आपको चाहते तो इधर आप कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप का कॉलम आएगा, 10 x 10 का कॉलम। आउटसाइड का जो वॉल है 5 का वॉल, इधर देखिए सब मेजरमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। आप ड्राइंग को धीरे से देखिए, आपको अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में देखिए गेट, गेट से ड्राइंग रूम, इधर से स्टेयर ऑफ हो जाएगा ऊपर में, इधर से ऊपर चला जाएगा, इधर से आएगा स्टेयर, यहाँ पर एक बेडरूम, यहाँ पर बाथ, यहाँ पर और एक बेडरूम, यहाँ पर और एक बेडरूम। तो बेडरूम से आप घर के अंदर जा सकते हैं, यहाँ पर बेडरूम से टॉयलेट, यहाँ पर स्टोर यूज कर सकते, यहाँ पर किचन, यहाँ पर खाने का जगह, यहाँ पर बैठने का जगह जो बाहर से आएगा। और यहाँ पर है आपका 3D ड्राइंग, 3D का व्यू। तो वीडियो और 3D आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और इस टाइप का 3D में आपको जो अगर हेल्प हुआ है तो आप एक लाइक जरूर कर देना। तो ऐसे रहेगा आपका 3D प्लान, और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और भी एक 3D व्यू अच्छा सा शेयर करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। अभी यहाँ पर जो वीडियो है हम यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है।